मोदी जी रैली में बताया कि कांग्रेस सरकार 10% का सरकार है। इतना पूछना चाहता हूँ, आपका सरकार कितना परसेंट का है बोल के? सर बीजेपी सरकार 40% का भ्रष्टाचार कर रहे, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ, इंक्वायरी कराओ, उनको कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे नहीं और उनको रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। आपका स्टेटमेंट ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज कहाँ पे है वो स्टेटमेंट? एमएलए किनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है ना, वो लोगों को स्टेज में नहीं बिठा लेना। आप स्टेज में बिठा लिए और आप ये हम प्रतिभटन करेंगे। छोड़के 371J का इम्प्लीमेंटेशन था ना, फाइनेंशियल असिस्टेंट केंद्र सरकार से कुछ भी नहीं दिए। This video sponsored by North Karnataka's most awaited vintage retreat resort is now open at Bidar. Villas and cottages, swimming pool and cocktail lounge, indoor and outdoor games, boat dining, sunset viewpoint, various selfie points and much more. सबको मेरा सलाम नमस्कार। मैं शरण आईटी, आम आदमी पार्टी का यूथ लीडर। कल के दिन हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी कलबुर्गी जिले मलकेट में आ रहे। क्यों आ रहे बोले तो, ये कलबुर्गी जिला और बीजापुर दो चार जिले का ठांडा निवासी है ना, कौन कौन ठांडे में रहते लंबानी कम्युनिटी, वो लोगों को हक पत्र देने आ रहे। क्यों कैसा बोले तो, वो लोग उधर कई सालों से रहते, वो उसको कंदाय ग्राम बोल के कन्वर्ट करके कर्नाटक सरकार का कंदाय ग्राम घोषण कर रहे। उसके लिए 51,900 लोगों को हक पत्र देने प्रधानमंत्री जी मोदी जी कल मलकेट को आ रहे। हम मोदी जी को हमारा तरफ से पार्टी के तरफ से स्वागत करता हूं। बट मोदी जी को दो चार सवाल पूछना चाहूंगा कि आप क्या बोलते आ रहे कर्नाटक और इंडिया में, आपका सरकार क्या बोल रहे ना, उसके बारे में दो चार क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आपको। आप 2018 में कर्नाटक में विधानसभा इलेक्शन के टाइम 2018 में कई ओपन रैलीज में बताया कि तब का सरकार कांग्रेस सरकार 10% का सरकार है, सिद्धरामैया का सरकार 10% का सरकार है, इसको गिराना उसको भगाना बोल के उतना ओपनली आप बताए। मैं इतना पूछना चाहता हूं, आपका सरकार कर्नाटक सरकार है ना, आपका बीजेपी सरकार, अब वो सरकार कितना परसेंट का है बोल के? क्यों बोले तो, कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का श्री केम्पन्ना जी ने आपको 6 महीने पहले एक लेटर दिए थे। लेटर में बताए थे कि आपका सरकार कर्नाटक सरकार बीजेपी सरकार 40% का भ्रष्टाचार कर रहे, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ, इंक्वायरी कराओ और हमारे को न्याय दिलाओ बोल के। आप 6 महीने से उनको कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे नहीं और उनको रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। आपको एक छोटा भी ट्वीट आया और छोटा भी मेल आया बोले तो रिप्लाई करते बोल के लोगों में भरोसा है, वो भरोसा कहाँ गया आज के दिन में? क्यों बोले तो, इतना दिन रात लूट रहे बीजेपी सरकार कर्नाटक में, उसके बारे में आपका खामोशी है। आप सब जगह भाषण में बोलते आए सो है, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोल के। आपका स्टेटमेंट ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज कहाँ पे है वो स्टेटमेंट? क्यों बोले तो, आपका ही सरकार बीजेपी सरकार, सभी मंत्री सभी एमएलए लोग खा खा के पूरा कर्नाटक स्टेट को खाली किए सो है। आपका आपको ये सभी पता है नहीं पता है मैं पूछना चाहता हूं। कल का प्रोग्राम में आपका हम सबको बताना चाहिए, पब्लिक को सार्वजनिक को बताना चाहिए कि कितने परसेंट का बीजेपी सरकार है कर्नाटक राज्य में। नहीं तो आप इधर के एमएलए है ना, कौन कल्याण कर्नाटक भाग का गुलबर्गा का एमएलए, किनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है ना, वो लोगों को स्टेज में नहीं बिठा लेना। नहीं तो हम आप स्टेज में बिठा लिए और आप उनको सपोर्ट करना गए, नहीं तो उनके बारे में दो चार अच्छे बात बोले तो ये हम प्रतिभटन करेंगे। एक शोल्डर को ब्लैक टैग पहन के मलकेट आके प्रतिभटन करेंगे, हम करते हैं। क्यों बोले तो, आपका स्टेटमेंट है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोल के, वो खाए से लोगों को आप सपोर्ट कर रहे बोल के इनडायरेक्टली पता होता है और आप बताए सरकार होता है। हम इसलिए इतना बोलना चाहते हैं कि आपका सरकार कर्नाटक में कितना परसेंट का सरकार है सबको बता दीजिए। नहीं तो आपका सरकार राज्य सरकार भ्रष्टाचार करते आए बोल के सबको पता है,
वो छोड़ के भी कल्याण कर्नाटक भाग का बहुत सारे काम होने का था पेंडिंग, वो नहीं हुआ, नीम्स नहीं हुआ, वो नीम्स हुआ तो नेशनल इन्वेस्टमेंट जोन हो तो इधर बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था, रोजी रोटी मिलता था, हमारा सभी यूथ को, ग्रेजुएट को काम मिलता था, वो भी नहीं हुआ, वो भी कैंसिल हो गया। और रेलवे डिवीजन भी काम नहीं हुआ, वो भी पेंडिंग है। वो छोड़ के एम्स आने वाला था, वो एम्स भी हुबली को शिफ्ट हुआ, कल्याण कर्नाटक कलबुर्गी का एम्स। वो छोड़ के 371J का इम्प्लीमेंटेशन था ना, फाइनेंशियल असिस्टेंट केंद्र सरकार से कुछ भी नहीं दिए, आप विदर्भ को दिए, तेलंगाना को हजारों करोड़ दिए, हम लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं दिए 371J में। हम बहुत हिंदुली है और हिंदुली रहते आए सो है, हम हमारे बारे में आपको कुछ भी फिक्र नहीं है, सिर्फ इलेक्शन है 3 महीने में कर्नाटक राज्य में, उसके लिए प्रचार के लिए और कर्नाटक सरकार का और कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या बोलते हैं 20-25 करोड़ खर्चा करने, आप कल प्रोग्राम रखे सो है, वो 20-25 करोड़ खर्चा करके उसमें कुछ होने वाला नहीं है, लोगों का भलाई वो छोड़ के आप लोगों का भलाई कीजिए बोल के मैं विनंती करूंगा आपको। और मैं इतना बताना चाहूंगा कि आपका भ्रष्टाचार के MLAs और मंत्री को दूर रखिए बोल के मैं आपको गुजारिश करूंगा। धन्यवाद।